हेलो फ्यूचर वाइफ। कहाँ है हमें नहीं पता, शायद कुछ टाइम में मिल जाएंगी। हैप्पी टू बी बैक इन दिल्ली। आई लव दिल्ली एंड द एंथुसियाज्म हियर। मेरा एक्चुअली नाम किसी ने टैटू किया था। उस टाइम पर आई डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अटेंशन, तो मैं बहुत डर गया था। आई सी द कैमरास आल्सो कम क्लोज कि कहाँ लेकर जाऊँगा। आई वाज जजिंग यू ऑन दैट बाय द वे। ओह रियली? शिट, ओके, थैंक यू। ओह ग्रेट, प्लीज डू इट एट योर ओन रिस्क। आपको हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, थप्पड़ भी मार सकते हैं, कॉफी भी फेंक सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। हेलो दिल्ली के मुंडे, आज दिल्ली आए हो। थैंक यू। यस, हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। It's going amazing and I'm so happy to be back in Delhi. I love Delhi and the enthusiasm here, and I'm just so grateful for Skechers to actually bring me here. You know, for the first time interacting with the audiences, with the crowd, it's an incredible feeling. Yeah, और Skechers के लिए तो आपने 1000 किलोमीटर का challenge हमारे सामने stage पे कर दिया, जिसको देख के लड़कियां बेहोश होने वाली हालत में आ गई थी, क्योंकि I witnessed that exact event. लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा challenge है जो आप लोगों को कर सकते हो, जो आपको लगता है कि आप उसमें best हो? कोई ऐसा talent है? रोहित का मैं बहुत खा सकता हूँ। तो कहाँ जाता है ये मैं Skechers के ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहता हूँ, वो दिखता नहीं है इसलिए। ओके, क्योंकि आपने दिल्ली में बहुत वक्त गुजारा है, तो अगर किसी लड़की को डेट पे लेकर जाना होगा तो दिल्ली में कहाँ जाओगे? I see the cameras also come close कि कहाँ लेकर जाऊँगा मैं। एक्चुअली यू नो, मैंने दिल्ली में बहुत टाइम स्पेंड किया है, बट दैट वाज द टाइम जब मैं इतना छोटा था कि मैं डेट पे लेके नहीं जा सकता था किसी को। तो एक्चुअली मुझे उतनी जगह नहीं पता है दिल्ली में, बट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड किला इन Mehrauli. I love that place. Yeah, and I've had an incredible time there. So perhaps udhar. अच्छा, एक क्वेश्चन ना मैं सारी लड़कियों के लिए पूछ रही हूँ, जो कहती है कि रोहित इज माय क्रश, तो लड़कियों को जरूर जानना है। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आ जाएगा, तो मैंने नहीं पूछा आज तो, कि वो कौन सी टॉप 3 क्वालिटीज है जो रोहित अपनी लाइफ पार्टनर में चाहते हैं, जब भी होगी। आई थिंक आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू एम्बिशन, सो आई रियली लाइक इट व्हेन आई फाइंड समबडी हू इज एम्बिशियस। आई रियली एडमायर दैट क्वालिटी इन इन अ गर्ल। I think honesty is very important to me, and brutal, unapologetic honesty, and I think it's generic, but I think kindness. I think that speaks volumes. You know, because I think some of the most incredible people who I look up to in my life, who I've worked with in the past, who I'm surrounded by, they're incredibly successful, but they're incredibly kind also. So I think that would be another quality. I think it's the qualities that I've seen in my mom. So. Okay, great. Good qualities, by the way. लड़के ऐसे बोलते नहीं है, but it was actually good. I was judging you on that, by the way. Oh really? Shit. Okay, thank you. You passed the test. Oh great. Now I'm happy. Okay. So national crush जैसे आपको declare किया, and जहाँ भी आप जाते हो, of course female attention बहुत मिलती है. तो कोई ऐसा fan moment है जो आपको हमेशा याद रहता है? कभी कुछ ऐसा हुआ है? मेरा जो fan moment हुआ कभी, who I was fanboying over? No. कोई लड़की के साथ, कोई फीमेल अटेंशन में कभी आपके लिए किसी ने कुछ किया हो? हाँ जी, मेरा एक्चुअली नाम किसी ने टैटू किया था। उस टाइम पर आई डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अटेंशन, तो मैं बहुत डर गया था, बट it is a very sweet gesture which I incredibly admire and hold very close to my heart. I don't know, this was a few years ago, so I don't know अभी उनके हाथ पे अभी भी मेरा नाम है या नहीं है। I really hope है, और अगर है तो thank you so much। अगर आप ये देख रहे हो ये वीडियो, thank you so much। उस टाइम पर मैंने आपको ठीक से मैं thank you भी नहीं बोल पाया क्योंकि मैं इतना डर गया था। If you're watching it, thank you so much, I think about it a lot, thank you। And then thank us क्योंकि हमने बताया। Okay, thank you। Which project changed your game, जो आपको लगता है जिसके बाद actually में लोगों ने आपको as a great actor देखना शुरू किया? As a great actor देखना शुरू किया या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, but what really changed the game for me was Mismatched. I think Mismatched and Ludo together, that really changed the game for me, because I think the reach was so phenomenal that it just changed my entire life. और पता है ना आपको कि आपने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया Mismatched के बाद कि हर लड़की चाहती है कि जब भी लड़कों से प्रपोज करे ऐसे करे ये फ्यूचर वाइफ। प्लीज डू इट एट योर ओन रिस्क। आपको हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, थप्पड़ भी मार सकते हैं, कॉफी भी फेंक सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और इसी बात पर एक बार जरा कैमरा को देखिए, वो ये फ्यूचर वाइफ जैसे बोला था ना क्यूट सा ऋषि ने, वैसे बोल दो। हेलो फ्यूचर वाइफ। कहाँ है हमें नहीं पता, शायद कुछ टाइम में मिल जाएंगी। ओके, अगर आप एक्टर नहीं होते तो रोहित क्या हो? I really enjoy clicking photographs, so maybe photographer, maybe something to do with fine arts. मुझे paint, sketch करना बहुत पसंद है। बस या मैं कुछ creative ही करता, but क्योंकि मैं और तो I don't think I'm good enough for anything else. I think I would do something creative for sure. और हर actor की ना एक list होती है, जो उसको manifest करना होता है। Also food business. I would really want to be involved in a food business, perhaps. Because he is a foodie. Yeah. So, and my mom's an incredible cook. So. Okay. कभी हम आते हैं आपके घर पे dinner पर दिल्ली में। हाँ जी, please बिल्कुल। फिर हम देख लेंगे। हाँ जी। अच्छा, मैं कह रही थी कि जिस तरह से आपकी fan following रही है और जितना आपको प्यार मिलता है, आपको किसने अभी तक ऐसा stun किया है? जब आप किसी set पर गए हो, किसके काम ने आपको अभी तक stun किया? इतने amazing actor के साथ आपने काम किया है अभी तक? I think every single actor that I've worked with, to be honest, क्योंकि every single actor holds that one incredible quality that I really look forward to, you know, witnessing. And there's been one incredible thing about every single actor. So there's not one person I can ever name actually. Okay, and on screen किसको romance करना चाहते हो? कभी ना कभी. और जब मैं करूँगा तब आपको पता लगेगा. उस time पर when you ask me this question again, then I will tell you कि मैं इनके साथ करना. चलो done. इसी के साथ साथ मैं आपको बस ये बता देती हूँ कि we are definitely and eagerly waiting for Ishq Vishk Rebound. And इस cutie को हम वहाँ पर देखेंगे. Thank you, thank you. से कि क्या वो चीज़ हमारे पास वो नहीं हो, वो सब कुछ हमने relive किया है नहीं किया, because बहुत ज़्यादा expectations है रोल में, and we really hope that you live up to those expectations. Yes. And wish you all the best. Thank you. No pressure. इसी तरह बिल्कुल pressure नहीं है, अच्छा करोगे, we are sure about that. Thank you, thank you. And इसी तरह से amazing projects लेकर आते हैं. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.